बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 23 अप्रैल को आईसीसी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि जो T20 वर्ल्ड कप होना है अक्टूबर में, वो जरूर होगा और उससे पहले भी इंशाल्लाह क्रिकेट जो है वो रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान का दौरा आयरलैंड का है वो कैंसिल हो गया है कि कोरोना की वजह से, लेकिन जो है आईसीसी बात पे बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत वर्कआउट कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट को रिज्यूम किया जाए। उसके लिए जो सबसे पहली चीज थी, जो कोरोना के लिए भी सबसे खतरनाक और वैसे भी हेल्थ हैजर्ड इसके थे, वो होता है कि आपने देखा होगा कि बॉलर जो है बॉल के ऊपर थूक लगाते हैं और उसको शाइन करते हैं, ठीक है, उसको घिसते हैं। और ये काम क्यों किया जाता है? ये काम इसलिए किया जाता है ताकि बॉल की एक साइड जो है वो एक साइड पे ही थूक लगा के उसको शाइन रखते हैं और दूसरी साइड को कोशिश करते हैं कि वो पुराना हो जाए। बाद दफा आपने देखा होगा जानबूझ को घास को भी पटक रहे होते हैं उसको, जिसमें एम्पायर मना भी करते हैं कि पिच के अलावा कहीं और अगर आप बॉल को बहुत ज्यादा पटते हैं या थ्रो जो है काफी ज्यादा, जो हम उर्दू में कहते हैं टिप पे खिलाने के बाद जो है अगर फील्डर तक आती है तो उस पर एम्पायर एतराज करता है कि भाई ये अलाउ नहीं है कि आप बॉल को बार बार पटते हो। आप सब 5 दफा पिच पे भी 2-3 दफा पटक पटक के फेंकी जाती है ताकि बॉल जो है खराब, तो एक साइड यानी कि उसकी रफ हो जाए और एक साइड स्मूथ रहे और उसको आप शाइन करते हैं। तो ये जो शाइन करने का मामला था या स्लाइवा लगाने का मामला था, इससे रोका गया है, जिससे फिर जाहिर सी बात है अगर आप रोक देंगे तो आजकल वैसे ही बेचारे बॉलर की इतनी पिटाई होती है और बैट्समैन के लिए क्रिकेट काफी आसान हो गई, और T20 में वैसे ही बॉल पुराना होने में काफी टाइम लगता है, तो जो रिवर्स स्विंग है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए किया ये जा रहा है कि एक शाइनिंग वैक्स इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, ऐसा सब्सटेंस लाया जाएगा जिसके जरिए आप क्या करेंगे, बॉल को शाइन करेंगे, ठीक है। तो बॉल को पॉलिश करना भी जरूरी है और ये काम बेसिकली किया जाएगा जिससे आपकी बॉल क्या हो, शाइन करने के लिए आपको स्लाइवा लगाना अलाउ नहीं होगा। और माइट भी हो सकता है कि कोई अगर स्लाइवा वगैरह लगा भी रहा हो तो उसको मना किया जाए या डांटा जाए, क्योंकि स्लाइवा कोरोना के हिसाब से बहुत खतरनाक है और अब जो है हेल्थ हैजर्ड आ गए, तो अब पॉसिबल ही नहीं है, ये रूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि जो बॉल पे स्लाइवा लगाएगा उसको शायद ही पनिश करे या कुछ करे, ठीक है। तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अब जो बॉल पे जो स्लाइवा लगाते थे शाइन करने के लिए, वो पता नहीं पसीना वगैरह भी लगाने देंगे या नहीं देंगे, या बाद जो है क्रीम वगैरह लगा के आते थे लोग फेस के ऊपर और उसको फिर यूज करते थे बॉल को पॉलिश करने में। तो अब ये देखना है कि ये क्या चीज अलाउ करते हैं और वो जो वैक्स भी होगा वो खिलाड़ियों को देंगे या वो वैक्स सिर्फ एम्पायर के पास होगा और एम्पायर से लेना पड़ेगा बार बार। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई, और जो ये बेसिकली ESPN का आर्टिकल है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो LBW का रूल है उसमें चेंजेस लाई गई है, यानी LBW पे आपको पता है कि लेग बिफोर विकेट कहते हैं इसको, इसमें होता यह है था कि अगर पैड पे बॉल लगी है यानी लेग पे बॉल लगी है आपके तो आउट दिया जाता था, लेकिन साथ में शर्त यह होती थी कि स्टंप भी हिट होनी चाहिए, यानी अगर बॉल को देखा जाता था आई ट्रैकिंग करके तो उससे क्या होता था कि स्टंप पे भी हिट होना चाहिए प्लस जो बॉल है उसकी जो पिच होनी चाहिए वो इनलाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो बॉल की पिच इनलाइन और हिटिंग द स्टंप जो है ये रूल खत्म कर दिया गया है। न्यू LBW लॉ जो आएगा या रूल आएगा उसके हिसाब से क्या होगा कि कोई भी बॉल, कोई भी डिलीवरी जो डायरेक्ट पैड पे लग जाए विदाउट हिटिंग द बैट तो वो क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। यानी अब एम्पायर को तरफ ये देखना है कि बॉल पहले पैड पे लगी है या पहले पैड पे लगी है, अगर तो बॉल पहले पैड पे लगी है तो बैट्समैन को आउट दे दिया जाएगा। तो इससे काफी मसले मसाइल होते थे कि बड़ा चक्कर होता था, आउट नॉट आउट हो जाता था, नॉट आउट आउट हो जाता था, फिर अगर आपका जो है रिव्यू खत्म हो जाते थे तो बड़ा ये मैचों में मसला आया है। और हमारा भी एक वर्ल्ड कप का जो मैच था जिसमें सईद अजमल ने सचिन तेंदुलकर को LBW आउट किया था और उसके बाद जब उसने रिव्यू लिया था तो वो बॉल कुछ ज्यादा ही टर्न होकर घुमा दी गई थी और वो विकेट को मिस कर रही थी। अब तो ये चक्कर ही खत्म हो रहा है, अब बैट्समैन को भी काफी जो है मोहतात होकर बैटिंग करनी पड़ेगी, खासतौर पर टेल एंडर्स, क्योंकि अगर उनके पैड पे बॉल लगी चाहे स्टंप पे बॉल आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, चाहे बॉल पिच इन लाइन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वो आउट कहलाएगा। और आप देखते थे टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा होता था कि जो बाहर की बॉल को डिफेंड करने के लिए बैट्समैन क्या करता था,
अपना पैड का इस्तेमाल करता था ताकि वो कैच आउट ना हो। तो आप भाई आपने बैट लगाना है, अगर आपने पैड लगा दिया पहले तो आप आउट हो जाएंगे, जैसे हम नॉर्मल गली वगैरह में करते थे कि बॉडी आउट रखते थे, अगर किसी को याद हो पाकिस्तान या कराची में जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या खेली उनको पता होगा कि अगर बॉडी पे पहले बॉल लगती तो आउट हो जाता। तो अब भी यही सीन होगा कि अगर लेग पे पहले बॉल लगी तो आप आउट हो जाएंगे, जो बैट्समैन होगा वो आउट हो जाएगा। तो ये दो रूल्स नए आएंगे जब भी क्रिकेट रिज्यूम होगी आफ्टर कोविड-19। तीसरी चीज है भाई कि मैच खेलने से पहले जो खिलाड़ी हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा, और जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएगा सिर्फ उनको ही मैच खेलना अलाउ होगा। खुदा ना खा सकती खिलाड़ी का कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसको ग्राउंड में उतरने की इजाजत नहीं होगी, वो फिर पता नहीं क्या आइसोलेशन करते हैं जो भी करते हैं। फिलहाल जो कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा उसको मैच खेलने की इजाजत नहीं होगी। तो प्लेयर्स के लिए ये बड़ा जरूर होगा कि वो मैच खेलने से पहले अपने कोरोना टेस्ट कराएं। वो कब होंगे, एक दिन पहले होंगे, दो दिन पहले होंगे, ये मुझे कंफर्म नहीं है। और ये भी देखनी कि कोरोना टेस्टिंग की कैपेबिलिटी कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। तो अगर एक दिन में आ सकता है तो मेरे ख्याल में एक दिन पहले ही टेस्ट हुआ करेंगे, और जिन खिलाड़ियों के नेगेटिव आया करेंगे उनको अलाउ होगा खेलना, और खुदा ना खास्ता किसी का पॉजिटिव आएगा तो उसको आइसोलेशन में रखेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, क्या करेंगे। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैचेस है या तो सोचा गया कि विदाउट ऑडियंस हो, जिससे रेवेन्यू जाने का बहुत ज्यादा खतरा होगा और खिलाड़ियों को भी मजा नहीं आता खाली ग्राउंड में खेलने में, या तो वो विदाउट ऑडियंस होंगे या फिर अलाउ कर दिया जाएगा 1/3 ऑडियंस। ठीक है, 1/3 का मतलब आप समझिए 33% क्राउड को अलाउ किया जाएगा कि वो मैच देखने आ सकते हैं, और उनके साथ भी मेरे ख्याल में कोरोना टेस्टिंग अगर ना कर पाए तो उनको भी सारे SOPs फॉलो करने होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो इतनी कंफर्म नहीं है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो जितनी भी कंट्रीज हैं 16 कंट्रीज, अगर इनका ग्राफ या इनके यहाँ कोरोना केसेस बहुत ज्यादा आ रहे होंगे इन कंट्रीज और उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हुआ होगा कोरोना को, तो माइट भी पॉसिबल है कि इनको जो है क्वालिफाई ना किया जाए, और इनको क्वालिफाई हालांकि कर चुके हैं लेकिन इनको टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाए अगर इनकी कंट्री में जो कोरोना केसेस हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर कोरोना केसेस कंट्रोल नहीं होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल गए हुए होंगे, तो फिर जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो कर्व फ्लैट नहीं हुआ, मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो अल्लाह करे भाई ये जो हमारा कर्व है वो नीचे है, क्रिकेट के हिसाब से भी फायदा होगा, और वैसे भी जाहिर सी बात है क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है, वैसे भी कर्व नीचे आना चाहिए। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं भाई, तो इन कंट्री का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि वहां जो है कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, अगर बहुत तेजी से फैल रहा है तो ये रिस्क होगा कि उन टीम को ऑस्ट्रेलिया बुलाना और वर्ल्ड कप कराना, और सबसे इंपॉर्टेंट तो होस्ट कंट्री है उनको भी तो देखना होगा मेन के ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के केसेस का क्या हाल अहवाल होगा जब ये वर्ल्ड कप करीब आएगा। ठीक है भाई, तो ये न्यूज थी, कुछ 5 बातें मैंने आपको बताई, मैं समराइज करता हूँ जल्दी से, वीडियो काफी बड़ी हो गई है। पहली चीज ये है कि भाई स्लाइवा लगाना बॉल को शाइन करने के लिए अलाउ नहीं होगा। LBW के लिए जो हिटिंग स्टंप्स है और पिच इन लाइन वाले रूल है वो खत्म हो गए हैं, डायरेक्ट पैड पे बॉल लगी पैड से पहले तो आउट होगा। मैच खेलने से पहले कोरोना टेस्ट होंगे प्लेयर्स के, मैचेस या तो विदाउट ऑडियंस होंगे या 1/3 ऑडियंस के साथ होंगे। और 5वीं चीज जो इतनी ज्यादा कंफर्म नहीं है वो ये है कि जिन कंट्रीज में कोरोना केसेस कंट्रोल नहीं होंगे शायद उन कंट्रीज को वर्ल्ड कप में खेलने ना दिया जाए। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज, और आप भी अपने कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कोई नई न्यूज मिली ICC के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से, और ये रूल सही है या गलत है, या और कोई आप क्या सजेशन हो सकती है आपकी क्रिकेट के हवाले से, वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।